पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का भूमि पूजन करने के बाद जश्न का माहौल है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर और कई शहरों में लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, लेकिन खरगोन के सराफा बाजार में आतिशबाजी का जश्न करना कुछ लोगों को उस समय महंगा पड़ गया जब मौके पर पहुंची पुलिस ने पटाखे फोड़ रहे युवाओं पर हाथ साफ कर दिए और बाद में कुछ लोगों को उठाकर थाने भी ले गई। हालांकि सराफा बाजार के बंद होते ही भाजपा नेताओं के मोबाइल घनघनाने के बाद पुलिस की मुहिम ठंडी हो गई और सभी लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक पुलिस को क्या हो गया था। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारी फिलहाल इस मामले में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। रात्रि को अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसके विरोध स्वरूप अगले दिन यानी गुरुवार को खबर लिखने तक राधावल्लभ मार्केट सहित पूरे बाजार में प्रतिष्ठान बंद रखे गए और दोपहर में रैली के रूप में जाकर ज्ञापन देने की बात कही जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या घटना क्या घटी आपके साथ? मंदिर में हाथ जोड़ रहा था, मुझे दो व्यक्ति ने पीछे जाकर लट मारा। कब की घटना है ये? रात के 9 बजे। आपने देखा किसी को? जब नहीं पाया, मोटरसाइकिल पे थे और मियां मान बोलने भागे। रिपोर्ट कराई इसकी पुलिस थाने में? आज बाजार भी बंद है। आज बाजार बंद है, मेडिकल हुआ है, बाजार स्पेशल बंद है। क्या नाम आपका? भरत कुमार महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।